और ये देखिए महत्वपूर्ण जानकारी भी इस बीच आपके सामने रख देते हैं। सारी दुनिया में चांद पर जाने की होड़ बची हुई है। आज भले ही हिंदुस्तान दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर इतिहास रच देगा, लेकिन इससे पहले चांद तक पहुंचने के लिए किस देश के कितने मिशन हुए हैं, आप ये जल्दी से आपके सामने जानकारी रख देते हैं। देखिए जो जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं उसमें जानिए, रूस के 53, अमेरिका के 49, चीन के 8, जापान के 4, भारत के 3, दक्षिण कोरिया का 1, इजराइल का 1, यूरोपियन यूनियन का भी 1 मिशन चांद को लेकर लॉन्च किया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने। इस बीच बड़ी खबर भी जल्दी से आपको बता देते हैं, साउथ अफ्रीका से लैंडिंग देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी, ये खबर हमें मिल रही है। बता दें आपको, लाइव प्रसारण देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी, ब्रिक्स समिट के लिए अफ्रीका पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी, और वहीं से सीधा प्रसारण भी वो देखने वाले हैं। तो आज जो सॉफ्ट लैंडिंग होगी उसका सीधा प्रसारण दक्षिण अफ्रीका से देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि साइंटिस्ट ने दी शुभकामनाएं, भारतीय मूल की जानी मानी नासा वैज्ञानिक सुनीता विलियम्स ने कहा, इसरो के मिशन के लिए हम सभी उत्साहित हैं, इसरो को गुड लक। तो सुनीता विलियम्स ने कहा है इसरो के साइंटिस्ट को गुड लक, और खुद इसरो के जो साइंटिस्ट हैं वो भी अश्योर है, विश्वास है उन्हें कि चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल होगा, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन उनके हिसाब से जैसा उन्होंने सोचा था। और इस बीच एक और बड़ी खबर जल्दी से आपके सामने, पूरी दुनिया में मिशन के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं, अमेरिका ब्रिटेन में भी पूजा पाठ किया जा रहा है, जगह जगह भारतीय छात्रों की प्रार्थना और उससे जुड़ी हुई तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। वो तस्वीरें भी आपके सामने हम रख रहे हैं, ना केवल देश बल्कि विदेश में भी इस मिशन की सफलता के लिए पूजा पाठ किया जा रहा है। और इस बीच देखिए स्टूडियो में हमारे साथ साइंटिस्ट भी मौजूद है, अर्जुन गुलिया हमारे साथ मौजूद है, स्पेस साइंटिस्ट हैं आप। सर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है समझना कि सेफ लैंडिंग, जिसको लेकर हमारे साइंटिस्ट काफी आश्वस्त है, उसके बाद प्रज्ञान रोवर का सबसे महत्वपूर्ण काम शुरू होता है, कितना महत्वपूर्ण होगा और क्या कुछ काम ये करने वाला है? देखिए प्रज्ञान रोवर का दो काम है, इसमें दो इंस्ट्रूमेंट और जिसे बोलते हैं पेलोड लगे हुए हैं, जो है स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, एक का उनमें काम क्या होगा कि एक लेजर इंड्यूस स्पेक्ट्रोमीटर है, तो उससे क्या होगा वो मून की धरती पे लेजर से लेजर जैसे लेजर इट विल शूट द लेजर, तो उससे क्या होगा उससे वहां पे वेपर निकलेंगे, तो उन वेपर्स को स्टडी करके वो उनके एलिमेंट्स का पता लगेगा। दूसरा एक है अल्फा स्पेक्ट्रोमीटर, वो उसकी मिनरोलॉजी का पता लगाएगा कि इसमें कौन कौन से मिनरल्स हैं, क्योंकि एलिमेंट्स अलग अलग तो होते नहीं, वो किस फॉर्म में हैं वो ये पता लगाएगा। तो मतलब एक तरह से पूरी सतह का पता लगाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं और वो किस तरह से मौजूद हैं, जिससे कि बाद में हम उसको कैसे उन्हें यूज़ करना है वो सीख पाए। तो इसलिए ये, और जैसा मैंने पहले बताया कि जो ये सतह है यहाँ पे हमने पहले कभी भी स्टडी नहीं की, तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रज्ञान रोवर को। सॉफ्ट लैंडिंग नहीं, सॉफ्ट लैंडिंग की बार बार हम बात करते हैं, और जानकारी ऐसी है कि 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हम एक नंबर से दो नंबर गियर बदलते हैं, ऐसे करके 5 से लेकर के 1 तक पहुंचते हैं, लेकिन 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड को 0 पर ला करके सॉफ्ट लैंडिंग कराना, ये कितना टफ है और इस प्रोसेस को कैसे सक्सेसफुली साइंटिस्ट हैंडल करेंगे? देखिए इसमें क्या है कि जो लैंडर है, लैंडर पिछली बार हमारा इसी जगह पे फेल हुआ था, और तभी इसे 20 मिनट्स ऑफ टेरर हम बोल रहे हैं। तो उसमें क्या है कि इस बार हमने क्या किया, हमने लिमिट्स बढ़ा दी, जो पहले सर ने बताया, जो पहले 10 डिग्री थी और 25 डिग्री कर दी, जो 500 मीटर का एरिया था उसे 4 किलोमीटर कर दिया। तो पिछली बार जब हम उसे उसकी स्पीड को कम कर रहे थे, तो उसी टाइम पे क्योंकि वो लिमिट से ज्यादा हो गया था तो उसका कोड खराब हो गया था, और इसलिए हमने इस बार उसकी लिमिट बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। तो कोड, आई रियली होप फिंगर्स क्रॉस कि इस बार ऐसी कोई दिक्कत पेश ना आए, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है, सालों की मेहनत है, और ये मेहनत कामयाब हो इसी की उम्मीद हम सब कर भी रहे हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भारत के चंद्रयान 3 का लक्ष्य क्या है, क्यों करीब 615 करोड़ रुपए के बजट वाले चंद्रयान 3 मिशन को चांद पर भेजा गया है, इसरो का ये ड्रीम प्रोजेक्ट चांद के बारे में कौन सी नई जानकारी देकर दुनिया को चौंकाने वाला है, देखिए इस रिपोर्ट में। लैंडर विक्रम 3 पेलोड से लैस है, रोवर प्रज्ञान में जानकारी जुटाने के लिए 2 पेलोड लगे हैं, चांद की सतह पर उतरने के बाद 5 पेलोड्स अपना काम शुरू कर देंगे। लैंडर विक्रम में पहला पेलोड रंभा LP है, इसका काम चंद्रमा के वातावरण के बारे में जानकारी जुटाना है। इसके साथ ही ये चांद पर पानी के कणों और उसकी बनावट के बारे में पता लगाएगा। लैंडर विक्रम का दूसरा पेलोड चेस्ट है, ये चांद की सतह पर तापमान की जांच करेगा। लैंडर का तीसरा पेलोड इल्सा चांद की सतह पर भूकंप के बारे में पता लगाएगा। ये आप मेजर देख सकते हैं कि एलिमेंटल अबंडेंस को चेक करेगा, एंड देन वहां पे
सॉइल वाटर ये जो ह्यूमन के लिए एक नेसेसरी चीजें हैं वो वहाँ पे जो है वो चेक करेंगे, एंड देन थर्मल प्रॉपर्टीज और प्लाज्मा डेंसिटी सिस्मिसिटी। तो ये मैं कंक्लूड करूंगा इसी के साथ कि इस मिशन का जो है एंड कि जो इंटरप्लेनेटरी मिशन जो फ्यूचर में और होंगे उसमें जो है इसके पैरामीटर्स हेल्प करेंगे। अब आपको बताते हैं कि रोवर प्रज्ञान का रोल क्या होने वाला है। रोवर प्रज्ञान में APXS पेलोड है। ये चांद के रासायनिक तत्वों और खनिजों के बारे में पता लगाएगा। इससे चांद के बारे में जानकारी और बढ़ेगी। रोवर में दूसरा पेलोड लिब्स है। ये लैंडिंग साइट के पास चांद की मिट्टी और चट्टानों का अध्ययन करेगा। इसके अलावा वैज्ञानिक जानकारी के मुताबिक चंद्रयान 3 चांद पर जो डेटा कलेक्ट करेगा उससे चांद के अलावा दूसरे ग्रहों के बारे में भविष्य के अनुसंधान में मदद मिल सकेगी।